सुन रहे हैं कि हुकूमत पीछे नहीं हटी, उनको यकीन है, लेकिन अलबत्ता आपके जो लोग पीछे हटे हैं जिस तरीके से डी चौक पे एहतजाज पे, आपके अपने जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त, अली अमीन गंडापुर साहब से काफ़ी नाला है। ऐसा लग रहा है जो नुकसान है वो गवर्नमेंट नहीं पहुँचा रही या इस्टेब्लिशमेंट नहीं पहुँचा रही, आपकी अपनी ही क़यादत पहुँचा रही है पार्टी को नुकसान। मेरे से सवाल किया है? जी 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 देखें, पहली बात तो यह है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था और है, और हम उसको अवेल कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। जहाँ तक शगाई तावन तंजीम का क्वेश्चन है, उस हवाले से तो ज़ाहिर है हमने इस्लामाबाद में अब शगाई तावन तंजीम के हवाले से तो वो प्रोग्राम शुरू होना है 14, 15, 16 मैक्सिमम ये दिन है ना। इन दिनों में हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, और वैसे भी ये कौन सी जमहूरी मुल्क होता है जहाँ एहतजाज नहीं होता? आप अमेरिका और यूके से तो बड़ी जमहूरियत नहीं है ना, वहाँ जो रोज़ फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं और वहाँ जमहूरी तरीके से एहतजाज भी होता है। जो इस तरह इस कठपुतली हुकूमत ने जिस अंदाज से उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी थी, पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था, FC रेंजर्स, आर्मी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, यानी एक पोलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रही है, और इन्होंने खंदकें खोद दी, मोटरवे बंद कर दिए, मतलब पूरा पाकिस्तान के एक लिहाज से उसको बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी। ऐसे लग रहा था खुदा ना खास्ता कोई बाहर के मुल्क का कोई जो है वो हमला करने हो रहा है पाकिस्तान में, और जा करके सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला किया, और जा करके KP हाउस को बाद में सील कर दिया, रेंजर्स राइट। लेकिन लेकिन शिव शाही साहब, यही 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 हुस्न है पॉलिटिक्स का। अगर मैं अब तकरीरें निकालने बैठ गई इमरान खान साहब की, तो उस वक्त की जो अपोजिशन की कंडीशन थी वो फिर आपसे शायद बर्दाश्त भी नहीं होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है, ये आपका जमहूरी हक है एहतजाज करना, अली अमीन गंडापुर साहब का गायब हो जाना, एकदम से निकल जाना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको अभी तक एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये जमहूरियत के ऊपर तमाशा है, जमहूरियत को ऊपर अटैक है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मुझे बताएं, बिलावल साहब आए थे, रेड जोन तक आए थे, कितने पर्चे इनके खिलाफ किए थे? उस वक्त तो पंजाब गवर्नमेंट भी हमारी थी, सिंध से चले थे ना। मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफा आए यहाँ धरना दिया, कितने उनके खिलाफ FIR आए? बात करना मरियम नवाज और PDM की जमातें आई थी, कितनी उनको 144 के खिलाफ वर्जी पे अपने उठाकर जेलों में बंद कर दिया था। ये सारे लोग आए, अपने मुजाहरे कर दिए, अपने धरने दिए, अपने प्रोग्राम किए, अपने जुलूस निकाले, ठीक है चले गए, और यही हमारा प्लान था। अब इसके अंदर जिस अंदाज से इन्होंने किया है वो दैट वाज रॉन्ग। अब जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है, ये क्वेश्चन नहीं है कि वो किधर था, उसने तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। सवाल ये है कि ये सारे कठपुतली मिनिस्टर्स ये कहा करते थे वो डी चौक तक आकर दिखाए, वो बल्कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, ना सिर्फ उसने अटक पुल क्रॉस किया बल्कि डी चौक तक पहुंचा, और तमाम तक हजारों की तादाद में शेलिंग हुई ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए उनके काफले के ऊपर। यानी मैं समझ रही हूँ कि उनको सिर्फ हाथ लगा के आना था और वो हाथ लगा के आ गए। मैं शला साहबा को उसमें एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर आपकी तरफ मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। जी जी सुने, प्रोटेस्ट का तकाजा था, वो यहाँ आए और चंद लम्हों के लिए अगर वो अपने घर गए जो कि 2 मिनट की मुसाफत में था, उसके KP हाउस पे अटैक करना ये आइन के ऊपर हमला था, सुबाई खुद मुख्तारी के ऊपर। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है ना शिव शाहीन साहब, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे मोबाइल फोन के बारे में बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी वो गिर गया, मिसप्लेस हो गया, बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं वो IG ने ले लिया, फिर वो कहते हैं कभी कि मैं पहाड़ी चढ़ के निकला, फिर वो कहते हैं मैं DPO, मतलब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं उनके अपने बयान में वो गायब होने में। आपने इन कॉन्ट्रडिक्शंस पे जिरा करनी है या गैर आईनी काम? मैं उन लोगों के लिए सवाल कर रही हूं। ठीक है शिवशान साहब, सुने, मसला ये है कि उसके ऊपर हमला गलत था या सही था? ठीक है, मैं यही सवाल शैला साहिबा से करना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि शैला साहिबा, ये हमला सही था या नहीं था, क्योंकि देखिये जो भी है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर तो हैं। हमने इससे पहले पार्लियामेंट की बेतौकीरी भी देखी, अंदर घुस के सिविल कपड़ों में लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, ये इंतहाई गैर जमहूरी हो रहा है दोनों साइड से। इंगेज करती हूँ शिवशान साहब, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, फलस्तीन के ऊपर गुफ्तगू की जाती है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की शमूलियत ना करना। अब ये देखें, ये तो कोई पोलिटिकल इशू ही नहीं है ना कि जिसमें आप बायकट कर दें कि जी हम नहीं आ रहे, हम इस पर टेबल टॉक नहीं कर रहे। आपकी प्रेजेंस बहुत अहमियत रखती है।
पहली बात तो आपको एक बात जरा मैं बता दूं, ये जमहूरी पार्टी होना मुझे पीपल्स पार्टी पे सबसे ज़्यादा अफसोस है। इनका जो रवैया है, ये तो उन कठपुतलियों के साथ उनसे भी दो कदम आगे चले गए हैं। भाई आप आए, कौन से इजाजतनामा लेकर आए थे आप? रेड जोन में आए, आपका आना जायज था, किस रुकावटें नहीं थी? अच्छा, हम लोग आए हैं तो हमारा आना जो है वो इलीगल हो गया है। वो जो बदमाशी हुई है, जितने लोग हजार से ज्यादा 1500 से ज्यादा बंदे हमारे गिरफ्तार किए हुए हैं, जो बदमाशी का आखिरी हदों तक किए गए हैं, जो तशद्दुद किया है, जो बूढ़ी औरतों को उठाया है, सबके सामने अलीमा और उजवा को और तीनों बहनों इमरान खान को उठाया, क्या तशद्दुद किया है उन्होंने? 780A के पर्चे लगा दिए। 8 सितंबर को हमने जलसा किया, मैं उसका यहाँ का होस्ट था, पीसफुल जलसा संजानी में जाकर किया, इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर, अदालत के हुक्म से और इनके डीसी की इजाजत से, मेरे समेत सारी लीडरशिप में पर्चे, और मैं 7 दिन में खुद जेल में रहकर आया हूँ। ये इन बदमाशों का हाल है और इनको आप सपोर्ट करते हैं। और अच्छा, जो कुछ इन्होंने बदमाशी की है, कोई एक बदमाशी की है? गाड़ियां इन्होंने तोड़ी हैं, सारी फुटेज मौजूद है रेंजर्स ने, हमले इन्होंने किए हैं, तशद्दुद इन्होंने किया है, बंदे इन्होंने उठाए हैं, और आप कहते हैं कि जी वो बिल्कुल दुरुस्त था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा जी, अब आप आगे फलस्तीन के इशू पे, आपको पता है फलस्तीन के एक प्रोग्राम में मैं तकरीर करने गया, मेरा गला मफियार काट दी, फलस्तीन के हमारे कारकुनान ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया, उनका गला पर्चा दे दिया, फलस्तीन का झंडा उठाने के ऊपर इन्होंने पर्चे दिए हमारे लोग के खिलाफ। सेंटर मुश्ताक को कई दफ़ा गिरफ्तार किया, उसका जो ताल्लुक जमा इस्लामी से है। बात यह है कि ये फलस्तीन की बात करेंगे? अहमद वली ने इनके प्रोग्राम में बैठ के क्या कहा कि हम अमरीका की मुखालफत मोल नहीं ले सकते? भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते। बात यह है कि ये सिर्फ बहाना और ड्रामा था, इनका कोई फलस्तीन काज के साथ सिंसियर एंड लॉयल नहीं है। ठीक, लेकिन लेकिन शिवशाइन साहब, आप नहीं समझते विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, विद ड्यू मैं सवाल ले लेता हूं, मैं बात कर रहा है, जो इंडिया मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ कर रहा है, ये तो हमारे पीटीआई के अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी मिसाल दी जो इंडिया मकबूजा कश्मीर के साथ कर रहा है, ये यही हैरानगी वाली बात है कि उसमें अगर आप जयशंकर को कोई दावत दे और फिर मुकर जाए तो ये हमारे लिए हैरानकुन है। लेकिन आपके वो गलत, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, वो मिस स्टेटमेंट है उसका। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चले हम उसको नहीं पकड़ते, हम उस नुक्ते को नहीं पकड़ते शिवशाइन साहब, लेकिन मुझे जवाब दे दें कि इस एहतजाज का यार बगैर जूते के आता है नवाज शरीफ के कहने पे, वो जिम्मे लगाते हैं आप हमारे, किन के साथ उनका ताल्लुक है किसको नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दे, क्या फ़ायदा हुआ आपके इस पूरे कंडक्ट का कि इमरान खान साहब को 10 दिन की कैद तन्हाई मिल गई, उनकी दोनों बहनें गिरफ्तार हो गई, भांजा ऑलरेडी गिरफ्तार है, तो मुझे बताएं कि इसका हासिल वसूल, तीन महीने गिरफ्तार हो गई, तो मुझे बताएं, आपने तो पूरा खानदान अंदर करवा दिया। बात ये नहीं होती, बात यह होती है कि जब हक सच के साथ खड़े होते हैं, आपको काज के लिए कुर्बानियां देनी होती हैं, तो वी ऑल आर सैक्रिफाइसिंग, पहली बात, जमहूरियत के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए। ये तो निज़ाम इंसाफ को कैंगरू कोर्ट्स बना के, पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल करके, सो कार्ड आईनी तरामीम करके, इस मुल्क को हमेशा के लिए आईन अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। इन लोगों ने तो इस मुल्क के लोगों के ऊपर जो जुल्म करने जा रहे हैं, वो इससे बढ़कर और क्या होगी कि हमने एक गलत चीज के खिलाफ एक एहतजाज किया, निजाम इंसाफ की बेहतरी के लिए, आजाद अदलिया के लिए, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए। बाकी कुर्बानियां हमारे हजारों की तादाद में अभी भी जेल में उठाए, इस्लामाबाद से तीन दिन में हजारों की तादाद में लोगों को उठाया है। और लेकिन मैं